अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर बकास, कुक विद अंबर बकास में आप सबको कहती हूँ शामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बड़े मजे के बनाएंगे वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। बड़ी हेल्दी सी, आसान सी और झटपट सी रेसिपी है, इसको जरूर ट्राई कीजिए। रमजान आने वाले हैं, बनाइए, फ्रीज कीजिए और बस रोजा खोलने से तकरीबन 5-7 मिनट पहले आप इसको डीप फ्राई कीजिए। बड़े मजे के आसान से बनते हैं, घर पे बनाइए। अब आपको मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और अगर आप चाहें तो वेजीज जो इसमें मैं ऐड करूंगी आप उसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो बस चलते हैं रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा तो जी, सबसे पहले हमारे पास है प्याज, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट्स। कैरेट्स को हम श्रेड नहीं करेंगे, कैरेट्स को हम अच्छी सी कटिंग करेंगे ताकि जो है ये नाइस एंड क्रंची रहे, वरना तो गाजर जो है वो अच्छे से कुक होके बिल्कुल मैशी हो जाएगी और मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें हम कुछ सीजनिंग्स ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कुटी हुई काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे ताकि मज़े का नाइस स्पाइसी सा रेडी हो। 2 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, क्रिस्पी जायका नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है, जिसको मैंने बॉईल किया था अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि जो एक हीक सी आती है चिकन में से वो ख़त्म हो जाए। 1 कप है। अच्छा तो इस रेसिपी में हम ज़्यादा फोकस जो है वो वेजिस पे करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें हम चिकन ऐड नहीं करेंगे ताकि ये थोड़ा सा हेल्दी रहे। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड करते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऐड करते हैं ओरेगानो। अगर आपके पास ओरेगानो पाउडर है तो आप ऐड करिए, वरना रहने दें। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ गार्लिक पाउडर, इससे बड़े मज़े का टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। अच्छा से मिक्स करेंगे। अब हम फिलिंग को ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हम जो है इसके रोल्स को रेडी करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने सबके सब रोल्स को बड़ा अच्छा सा रेडी कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से ट्रे में जो है वो फैलाएंगे और फिर फ्रीजर में रखेंगे। जब ये बिल्कुल जम जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, तो फिर हम इसको किसी भी डब्बे में या किसी भी सील बैग में डाल के तो हम फ्रीज करेंगे। ये देखिए जी, एक रोल मैंने अपने लिए भी फ्राई किया है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और अब इसको मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी आप इसकी फिलिंग देखिए, बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बने हैं। रमज़ान के लिए बस बनाइए, फ्रीज कीजिए। अब आपको बाजार से किसी भी किस्म की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हाइजीन का ख्याल आप घर पे खुद रख सकते हैं। तो बस अब जैसे ही फ्रीज होते हैं मैं ये इंजॉय करती हूँ, और फ्रीज होने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कंटेनर में या किसी भी सील बैग में डाल के तो फ्रीज किस तरह से कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे जो रोल्स हमने फ्रीज किए थे वो बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं। और सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है एक डब्बा, आप किसी भी किस्म का डिस्पोजेबल डब्बा ले सकते हैं। इसमें इस तरह से जो रोल्स हैं वो हम प्लेस करेंगे। अब इस तरह से इसके बीच में हम शीट रखेंगे। एक ही डब्बे में आप बहुत सारी फ्रोजन चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं, जैसे हमारे पास मटन कीमा पैटीज हैं, इस तरह से हम रखेंगे ताकि स्टिक नहीं हो। आप इस डब्बे को बंद करके आराम से फ्रीज कर सकते हैं, और जब दिल चाहिए, आपका जो दिल चाहिए आप एक डब्बे में से निकालिए, अलग अलग भी आप पैक कर सकते हैं। जब भी आपको दिल चाहे हम निकालें, बेक करें, फ्राई करें, आपकी अपनी मर्जी। बस ये हमारे पास बॉक्स रेडी है, अब इसको हम फ्रीज करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है लेमन जूस, जो कि मैंने 2 kg लेमन से निकाला है, और इसको हम इस तरह से क्यूब ट्रे में इस तरह से पोर करेंगे और फिर हम फ्रीज करेंगे।
ये हेल्प करेगा हमें रमज़ान में कि हम इसको निकाल के अच्छा सा शरबत बनाए, इससे कंज भी बना सकते हैं, इसको किसी भी चटनी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए, तो सारे का सारा जो जूस है वो हमने इस तरह से ट्रेस में इस तरह से हम फ्रीज करेंगे और क्यूब्स बनाने के बाद इसको किसी भी हम सील बैग में जो है वो अच्छी तरह बंद करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास हैं जी फ्रोजन क्यूब्स ऑफ लेमन जूस, इसको हम किसी भी सील बैग में पैक करेंगे और रमज़ान के लिए सेव करेंगे। जी तो व्यूअर्स, रमज़ान के लिए हमारे पास है जी यहाँ पर बॉइल्ड वाइट वाले चने, इसके अलावा लेमन जूस क्यूब्स, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, इसके अलावा है जी हमारे पास ग्रीन चटनी के क्यूब्स, और यहाँ पर हमारे पास है जी ग्रीन चिली के बहुत अच्छे से क्यूब्स। अभी हम मज़ीद भी बनाएंगे, इसको भी मैंने इस तरह से फ्रीज किया है। और यहाँ पर है हमारे पास फ्रोजन फिश, जिसको मैंने बहुत अच्छा सा मैरिनेट करके रखा है विथ सम चिली फ्लेक्स एंड मिक्सड हर्ब्स। तो अगर आप चाहें तो आप रमज़ान में जब आपका दिल चाहे आप इसको बेक भी कर सकते हैं, आप इसको शेलो फ्राई करें या आप इसकी ग्रेवी बनाएं। तो अब इसको भी हम एक सील बैग में डाल के तो फ्रीज करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ आइस क्यूब्स को भी बना के रखा है, रमज़ान में थोड़ी आसानी हो जाती है, इसको भी हम रखते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए ऑल ऑर्गेनाइज्ड है, वी हैव सम फ्रोजन रोल्स एंड समोसाज एंड पैटीज, सम चीज, इसके अलावा डब्बे में हमारे पास है गार्लिक, सम क्यूब्स, ऑरेंज जूस एंड मैनी मोर। प्लीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह।